हेलो इब्राहिम वालेकुम गाइस ज़िंदगी का एक नया दिन फिर से स्टार्ट हो गया ओके okay, जी मेरा बेबी जो है वो स्कूल से वापस आ गया और शी इज़ वेरी हैप्पी वो तो हैप्पी ही हैप्पी है पर मैं उससे ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि आज पाकिस्तान में विंटर वैकेशन हो गई और हमारी भी वैकेशन्स हो जाती है माइंड भी बहुत रिलैक्स हो जाती हैं ठीक है एक बर्डन सा होता है बच्चे ने स्कूल जाना होना और टेंशन भी होती है जी उनकी सारी जिम्मेदारी भी होती है कि उनको उठाना है सुलाना है तो जब बच्चे ने स्कूल नहीं जाना है तो माँ बहुत रिलैक्स होती है तो मैंने सोचा कि अब चूँ के हुरैनम ने घर रहना है तो इसके थोड़े से फेवरेट से जो फूड है ना वो बना लेती हूँ क्योंकि फिर वक्त पे वक्त दोनों को भूख लगेगी तो उसका इलाज यही है कि कोई फेवरेट सा फूड फ्रिज में हो तो उनको गर्म गर्म करके तो दे दिया जाए तो आज मैंने सोचा कि वेदर इज़ वेरी डिमांडिंग बहुत सर्दी है बहुत बहुत सर्दी है इतनी सर्दी है कि हैंड भी फ्री हुआ हुए हैं काम भी नहीं था हो रहा तो मैंने सोचा कि क्या करते हैं जी एक तो पटाटोस की आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं फिर मैंने कटलेट थोड़े से आलू लेके उसको बॉयल रखा और साथ ही साथ ना हुरैना से थोड़ी देर पहले वेजिटेबल वाले आए वेजिटेबल वाला आया था तो मैंने ना उसे कैरेट्स ले ली दो किलो तो मैंने सोचा उसको ना बॉयल करती हूँ बनाती हूँ फिर मैंने उसके पील्स आपके सामने उतार लिए और बैग से भी उतार के ना मोटा मोटा सा रफली कट कर लिया ठीक है ज़्यादा कट नहीं किया पतला पतला सा मोटा मोटा सा क्योंकि इसको फिर हम करेंगे बॉयल दूसरे में बहुत मेहनत होती है और टाइम भी बहुत लगता है और मेहनत तो चलो होती होती है लेकिन टाइम नहीं था तो मैंने सोचा कि इसको बॉयल करके ना आज हलवा बनाते हैं तो मैंने ना इस सारे के सारे को ना इसके पील तो उतार के अच्छे से फिर वॉश किया और फिर ना इसको जो है वो कट कर लिया ये देखें जी और ये इतनी फ्रेश फ्रेश फ़ील हो रही हैं मेरा खुद भी दिल कर रहा था खाने को तो मैंने ट्राई कर लिया ओके जी ये कट हो गया मेरा ना अभी बच्चे मेरे साथ ही खेल रहे थे तो उनको लग गई है वो तो कह रही थी मम्मा हमें कुछ बना के दो तो सैंडविचेस तो मैंने बनाए हुए थे ब्रेड तो बनाए हुए थे तो मैंने सोचा इनके सैंडविचेस बना लेती हूँ तो इनको बना के दिए मैंने फिर मुंतहा को भी उतने ही सैंडविच चाहिए जितने अपाने खाने हैं तो इस वजह से मैंने टू टू ही बना लिए फिर यह है कि मुंतहा नहीं खाती तो मैं खा लेती हूँ जो उसका बचता है ओके okay जी उन्होंने किचन में पूरी तैयारी की थी मम्मा हमें दो तो लेके तो उनको मैं नीचे ले आई हूँ और उनको, उनको उनके बेड पे सेट कर दिया है अब ये देखेंगे पोएम इनको पोएम लगा दिया है टैब भी बेचारों की ख़राब हो गई है तो अब छोटे मोबाइल से काम चलाना पड़ेगा तो मैं फिर ऊपर आ गई मैंने ना इसमें थोड़ा सा वाटर एक ग्लास वाटर ऐड किया क्योंकि इसमें खुद भी वाटर बहुत ज़्यादा होता है ना तो गैस देखिए कितनी स्लो फ्लेम में आ रही है तो इसी के साथ साथ फिर मैं काम कर रही थी इसको एक साइड पे रख दिया मैं आधा घंटा लगा लेते हैं क्योंकि फ्लेम तो बहुत कम है आहिस्ता आहिस्ता चलेगा फिर पोटाटोज़ को मैंने ना पीला किया देखिए कि गरम गरम है अभी और विंटर है तो फील नहीं हो रहा हाथों को ना और वैसे काम नहीं हो रहा था ना ठंड बहुत लग रही थी पता नहीं क्यों तो फिर मैंने इसमें ही धनिया कट कर लिया जल्दी जल्दी से ओके okay, जी मैंने मोटी मोटी ना ये जो सबक मिर्चे थी ना उसको मोटा मोटा सा कट किया क्योंकि मेरे हस्बैंड को और बच्चों को नहीं पसंद बिल्कुल नहीं पसंद तो मुझे बहुत पसंद है तो मैं कहती चले मैं अपने में ज़्यादा ज़्यादा देर फ्रेग्रेंस तो आती है मज़ा भी आता है तो मैं ज़रा जो अपने वाले कटलेट बनाऊँगी ना उसमें ज़रा बार बार के सारी कलेक्ट करके तो डाल लूँगी ओके okay, मैंने ये कट कर लिया फिर मैंने एक पैन लिया इसमें थोड़ा सा आयल डाला इसमें मैंने थोड़ा दादरी मोटी सुरख मिर्चें डालनी ज़्यादा सी दिल का रहा था स्पाइसी था खाने को मेरा खुद भी अच्छा इसमें फॉर्मल टर्मिंग पाउडर डाला सॉल्ट डाला थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर डाला और फिर इसमें मैंने खुश धनिया ज़्यादा सा डाला एक फुल स्पून बाकी तो एस्टिमेटली हाफ टी स्पून ही सारी चीज़ें थी लेकिन यह है कि जो मैंने खुश धनिया था ना वो मैंने एक वन फुल स्पून डाला था ठीक है इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुक करूँगी कि अच्छे से ये ना बुन जाए ये देखें जी कितनी अच्छे से बुने अच्छे जी इसको अब इसमें शिफ्ट कर दिया भी मैंने ना हाँ जी ये देखें हैंड की मदद मतलब से हैंड भी बहुत फ्रीज हुए हैं बहुत सर्दी है भाई आज तो बहुत सर्दी थी बच्चे मेरे सो रहे थे तो मैंने उनको सुला के ना तो मैंने सोचा कि चलो अब क्योंकि आज वेकेशन है रात को मस्ती करेंगे बच्चे पापा के साथ तो मैं ना ज़रा ये काम कर लेती हूँ सारा ना बच्चों के सोए सोए ज़्यादा अच्छा और आसानी से किचन भी ज़्यादा क्लीन रहते हैं बच्चों के साथ ना बच्चे थोड़ा बहुत मैस कर ही देते हैं जितना मर्जी मतलब करो ना लेकिन बच्चों ने थोड़ा बहुत मैस कर देना होता है ओके जी ये देखें इसको सारे को मैंने ना बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है अब बनाएंगे इसे हम कटलेट ये काफ़ी ज़्यादा वैसे बन जाएंगे सेवन कटलेट फाइव सिक्स तो मैं हस्बैंड को भेजूंगी बाकी दो दो बच्चे खाएंगे कोई एक दो मैं खा लूँगी और फिर देखेंगे कोई बच्चे का तो फ्रिज में रख देंगे सुबह यूटिलाइज हो जाएंगे ओके जी कैरेस जो है वो बॉयल हो गई हैं हमारी ये देखें कितनी अच्छे से कैरस बॉयल हो गई हैं ओके जी हमने निकाला मुझे मैच करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था तो मेरे ख्याल में मेरे दिन में आया मतैर तो मैंने सोचा चलो जी मतैर ही चलाते हैं आज ना फिर मैंने मतैर चलाने की कोशिश की ना ओके जी मतैर से याद आया और राइस भी हमारे तैयार हो गए मतैर तो हमारी मामा ने भी बहुत चलाया हुआ हम पे ना छोटे होते मैं ज़्यादा शरारती थी तो मुझ पर थोड़ा मैं और मेरा जो छोटा भाई है ना मतलब मुझसे छोटा जो सबसे छोटा वो बहुत शरारती थे हम दोनों पे बहुत मुतैर चला हुआ है मामा का ना मम्मा डराती भी थी और लगा भी देती थी मुझे मेरी दादो याद आ गई दादो ना हमें बचाती थी दरवाजे के पास आके ना मुझे एक दफ़ा याद है मुझे मामा मोतैर से मार रही थी तो दादो कह रही थी तेरा इलाज करवाती अभी आलेन तो मेरे पुत्र नो <laughs> तो मुझे वो याद आ गया है यादें भी है बड़ी अच्छी होती है ना याद आ जाती है मैम प्री अच्छा जी ये देखें जी इस पर मैंने खूब मोतर चलाया वो वाला मोतैर जो मेरी मामा मुझ पर चलाती थी <laughs> ओके जी ये हो गई हमारी कैरेट्स रेड इसका तकरीबन मैंने अपनी तरफ फुल मोतैर चला लिया है जी इसमें मैंने शुगर ऐड किया शुगर ऐड कर दी थोड़ी सी ज़्यादा की है बच्चों को ज़रा मज़ा आता है ना कैंडी टाइप बन जाता है ओके जी इसमें जाएगा अब थोड़ा सा आयल बुनेंगे इसको अच्छे से ना इसलिए इसमें मैं अब आईला ऐड करती हूँ थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं आपने एस्टिमेटली फाइव कितना ज़्यादा डाल दिया अब एस्टिमेटली ही डाला है ओके जी बच्चे हलवा एंजॉय कर रहे हैं और इसमें अभी खोया नहीं डाला वो रात को बाबा लेके आएंगे तो फिर डलेगा जी टी मेरी आ गई बच्चों की भी टी आ गई बच्चों की स्टरी भी स्टार्ट हो गई मस्ती भी स्टार्ट हो गई अच्छा मेरी बड़ी भी आ गई है बड़े बच्चे से पता नहीं क्यों ज़्यादा प्यार होता है ना वो है भी अच्छी बहुत है कहती है आप नीचे जाओ मैं ऊपर वाले लाइट ऑफ करके आऊँगी आप नीचे ऑन करो मतलब ना आप थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्प कर देती है एकदम तो मोटर लगा के आती है तो फिर सारा दिन मुझे टोंट मारती है मामा आपने मुझसे काम करवाया था मैंने आपकी कभी हेल्प नहीं करनी आप मेरी बात नहीं मानते <laughs> जी इस तरह फिर बच्चों के साथ थोड़ी थोड़ी सी हंसी मजाक चलता रहा बच्चे खेलते रहे अपनी मस्ती करते रहे

अफ़ाबैटिक ए बी सी भी लिख ली अली बेबी लिख ली सब वो ना मुझे सरप्राइज कहती मम्मा आप ना देखना मैं कह बेटा मैं तो देखती नहीं बस मुझे आप सरप्राइज़ दे दो जी मुझक कब से अप्पा को ना से सिटरा रही थी तो अब अपा ने उसको पुश किया है तो वो रो रही है तो अब आप इनकी आपस में फाइट चलती रहती है वैसे ना ओके जी मैं आज खूब हो रिलैक्स होकर टी वी इंजॉय कर रही हूँ कोई टेंशन कोई बटन नहीं है <laughs> कि बच्चों को सुलाना है सलाते हुए भी फिर थोड़ा टाइम लगता है ना बच्चों को तो इस वजह से जी फिर रात को थोड़ा सा खोया आया फिर मैंने खोए का हलवा बनाया तो उसमें खोया थोड़े से मैं खोया मिक्स किया अच्छे से फिर उसके बाबा को सर्व किया बच्चों ने भी खाया ओके जी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा सब्सक्राइब भी कीजिएगा अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि लाइफ तो एक ही दफ़ा मिलती है खाए पिए मौज करें <laughs> लाइफ को एंजॉय करें जितना कर सकते हैं क्या पता कल हो या ना हो क्योंकि ज़िंदगी की तो कुछ भी पता नहीं ना इंसान का इंसान सोचता कितना कुछ है कि ये करेगा वो करेगा लेकिन ज़िंदगी की हकीकत तो बिल्कुल यही है ना कि ज़िंदगी बस एक दफ़ा जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो बस फिर वो चला जाता है फिर जाते भी आहिस्ता आहिस्ता ना धुंधली पड़ती हैं फिर आहिस्ता आस्ता ख़त्म हो जाती हैं लव यू ऑल अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह बाय